हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं अनचाहे बाल, फेशियल हेयर, अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का बहुत ही सरल घरेलू उपाय आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और दोस्तों, ये 100% कारगर उपाय है और ये आज का नहीं, बहुत ही पुराना उपाय है। जब हमारी दादी नानी थी तब इस उपाय को यूज करती थी। दोस्तों, ये उपाय मैंने दादी से पूछा है और इसको ट्राई किया। ट्राई करने के बाद इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। दोस्तों, पुराने समय में तब कोई रेजर नहीं आता था, कोई वैक्स पट्टी नहीं आती थी, तो घरेलू चीजों से ही फेशियल हेयर को रिमूव किया जाता था, प्राकृतिक तौर पर रिमूव किया जाता था। और आज भी बहुत सारे लोग प्राकृतिक तौर पर फेशियल हेयर को रिमूव कर रहे हैं, तो उन्हीं में से एक कारगर उपाय आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और ये उपाय 100% काम करता है। आप इसे पहले दिन ट्राई करोगे ना, तो आपको पहले दिन से ये इफेक्टिव लगेगा। एंड हाँ, आपको बता दूं, इसमें आपके एक भी रुपए नहीं लगने वाले हैं। मैं इसमें दो चीजों का इस्तेमाल करूंगी और ये दो चीजें बड़ी आसानी से आपको अपने किचन में मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, किचन में जाना है, आपको वो दोनों चीजें लेनी, उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद क्या करना है, जो भी रिजल्ट रहा मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कर देना, ठीक है? आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन सी दो चीजें हैं। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर उपलब्ध है सरसों के दाने, यानी मस्टर्ड सीड। ये थोड़े से मैंने दरदरे कर लिया, यानी हल्के से पीस लिए हैं, ठीक है? एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पास पीली सरसों है। आप पीली और काली कोई भी सरसों है आप यूज कर सकते हो, दोनों ही सरसों कारगर होती हैं। तो मैंने यहाँ पर सरसों को थोड़ा थोड़ा सा पीस लिया है तेजी, और उसको पीसेंगे थोड़ा सा हो जाएगा इस तरह, ठीक है? और दूसरी जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो है रॉ मिल्क, यानी कच्चा दूध। जी हाँ, आपको कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध हम लोग बहुत सारे होम रेमेडी में, फेशियल रेमेडी में यूज करते हैं, तो इन दोनों को यूज करके हम ये रेमेडी तैयार करने वाले हैं। दोस्तों, सरसों में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिससे हम अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। आपने सरसों का उपटन सुना है? जब बच्चे पैदा होते हैं, यानी जब बच्चे होते हैं 1-1.5 महीने के, तो जब उनको ना बचपन में सरसों का उपटन लगाया जाता है, बुकुआ लगाया जाता है। हमारे नॉर्मली भाषा में उपटन कहते हैं लगभग हर जगह, लेकिन हमारी तरफ बुकुआ बोलते हैं। तो बुकुआ लगाया जाता है सरसों का। क्या होता है, सरसों में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिससे जो हल्के जो बाल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ये माना जाता है कि बच्चों को अगर ये बुकुआ लगाया जाएगा तो एक तो उनका रंग फेयर होता है, दूसरे जो उनके बाल होते हैं वो बचपन से रिमूव हो जाते हैं, जिसकी ग्रोथ दोबारा नहीं होती है, ठीक है? ग्रोथ नहीं होती है तो जाहिर सी बात अच्छा ही होगा ना, इतने सारे बाल बचपन से निकल जाएंगे, ये बातें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो हेयर होते हैं उनको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट अब हम लोग काफी बड़े हो गए, हमारे हेयर जो है वो काफ़ी जिद्दी हो गए, इन्हें निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट 1 महीने तक आप इस उपटन को, इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे। आपको 1 महीने, ये नहीं कि आपको रेगुलर यूज़ करना है, हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन आपको यूज करना है, आपको पहले दिन में फर्क नज़र आएगा। धीरे धीरे ये आपके क्या करेंगे, आपके जो फेशियल हेयर होते हैं उसको कमज़ोर कर देते हैं। पहले कमज़ोर हेयर निकलेंगे, फिर जो थोड़ा सा टाइट हेयर होते हैं, मजबूत हेयर होते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर दूसरे तीसरे उपटन में वो निकल जाते हैं। एंड ये जो जगह होती है जिसमें हेयर निकलता है, वो धीरे धीरे वहाँ की ग्रोथ कम हो जाती है और फेशियल हेयर आना भी कम हो जाते हैं। लेकिन पहली बार में आप ये कह दोगे कि पहली बार में फेशियल हेयर निकल जाएंगे एंड उनकी ग्रोथ भी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा लंबे टाइम तक यूज करना होता है, ठीक है, महीने में। और अगर आप इसको यूज करोगे एज अ फेशियल भी ये वर्क करता है, आपके कलर को फेयर करेगा एंड बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी हेल्प करता है। तो चलो, सबसे पहले मैं ये उपटन या होम रेमेडी जो भी कह लो उसको बना के आपको दिखाती हूँ। तो आपको क्या लेना है, लगभग यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सरसों ले ली है, थोड़ी सी दरदरी, आप चाहो तो उसे महीन भी पीस सकते हो, ठीक है? और थोड़ा सा हमें इसमें मिलाना है दूध। ओके, हमने मिक्स किया एंड इसे मिक्स 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 करना है, ठीक है? ठीक है, बहुत कम दूध लगता है, ज़्यादा दूध नहीं लगता है, ठीक है? और दूध भी जानते हो कि दूध भी काफ़ी अच्छा होता है हमारे कलर को फेयर करने में एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने में। तो मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, तो अगर आप कोई होम रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपने मेकअप को पूरी तरह से रिमूव करना है। मैंने थोड़ा सा लिप्स पर लगाया एंड थोड़ा सा मस्कारा लगा लिया है, मस्कारा नहीं आई लगा लिया है। तो चलो, मैं इसको अपने यहाँ पर लगा के आपको दिखाती हूँ, ठीक है? सरसों की महक आएगी,
सरसों की महक अच्छी होती है, वैसे भी खाने में यूज होता है हमारे उत्तर भारत में तो काफ़ी यूज होता है, लेकिन साउथ में यूज करते हैं आप नारियल का तेल, लेकिन आपको यहाँ सरसों ही यूज करनी है, ठीक है। इसको लगाओगे तो आपका कट है, दाने हैं, जैसे मेरे यहाँ पे दाना था, तो आपको हल्की हल्की लगेगी, एंड कुछ लोगों को आँखों में थोड़ा सा सरसों की छार सेंसेशन होती है आँखों में, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। इसको हमें 10 से 15 मिनट लगाना है और उसके बाद इसे रिमूव करना है। मैं थोड़ी सी गंदी लग रही हूँ, लग रहा है मेरी दाढ़ी निकल आई है, कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड इसको ट्राई जरूर करना। तो हम 10 से 15 मिनट इसको लगाएंगे, उसके बाद आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, हो गया है और ये काफ़ी हद तक सूख गया है दोस्तों। इसे अच्छे से सूख जाने दीजिए, जिससे ये आसानी से हमारे जो फेशियल हेयर है उसको रिमूव करेगा। दोस्तों जैसे हमारे बालों की ग्रोथ होती है ना, हमें उसके विपरीत दिशा में, क्योंकि हम वैक्सिंग में भी यही करते हैं, जिससे बाल जो है वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं, थोड़ी सी कमज़ोर होते हैं बाल, आसानी से निकल जाते हैं, तो हमें विपरीत दिशा में ही इसको रिमूव करना है। कुछ ऐसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, एंड हाँ दोस्तों चलो मैं करते हुए बताती हूँ। और हाँ दोस्तों ऐसे पहले करिए, ठीक है, एज अ स्क्रब ये भी अच्छा वर्क करता है, स्क्रब की तरह, ठीक है। और हाँ दोस्तों जो मैं बता रही थी अब बता दूँ, जब आप इसको रिमूव करते हो, कुछ लोगों की आदत होती है कि इसको कोई भी होम रेमेडी लगा के भूल जाते हैं आधा आधा घंटा, ठीक है, और तो फिर ये अच्छे से लग जाता है, चिपक जाता है चेहरे से, तो निकलता नहीं है। उस वक्त आप क्या करेंगे, उस वक्त आप यूज करेंगे नारियल का तेल। यहाँ पर मेरे पास बायो ऑर्गेनिक का वर्जिन कोकोनट ऑयल है, आपके पास कोई भी कोकोनट ऑयल है आप उसको यूज कर सकते हो। एंड आपको बता दें, गाड़ी आ रही है, निकल जाने दो भाई, जाओ जल्दी थोड़ी सी नॉइज़ आ जाती है जिससे दिक्कत होती है। एंड आपको बता दें, मेरा जो दूसरा चैनल है ग्लैमर गर्ल, वहाँ पर मैं प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करती हूँ, एंड उसका रिव्यू भी आने वाला है बहुत ही जल्द। तो मेरे अगर दूसरे चैनल को अभी नहीं देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नहीं पहुँचे तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, प्लीज़ जाके एक बार जरूर विजिट करो। और चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, तो इस तरह, ठीक है, हमें इसको रफ करना है। सीरियसली बहुत ही अच्छा वर्क करता है, एंड वाह बहुत ही सॉफ्ट हो गई है स्किन, आपको उसको यूज करने के बाद काफ़ी अच्छा फर्क नज़र आएगा, ठीक है। जिस भी ग्रोथ हो आपकी, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में आपको चलाना है। आप यहाँ पे दाना है, मुझे लग रही है, तो दाना लगेगा होगा तो शायद आपको लग सकती है, ठीक है। इससे आप पूरे फेस के जो भी हेयर है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। थोड़ी रेडनेस आ गई है, ठीक है, जब हम बालों को रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात थोड़ी सी रेडनेस हो जाएगी। एंड सीरियसली ये काफी चिपक गया है, तो जैसा मैंने बताया है, इससे हमें थोड़ा सा नारियल तेल लेना होगा। एंड थोड़ी सी नॉइज आ रही है, दादी बात करने लगी हैं दूसरे रूम में। काटा नहीं चाहती मैं, यहाँ पे वीडियो बंद नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने लाइव डेमो किया कहा था आपको, और 10 मिनट का मैंने वैसे भी बीच में ब्रेक लिया है, तो सीरियसली मैं काटना नहीं चाहती। अरे यार दादी कोई नहीं, तो आपको थोड़ी सी इसे प्लीज मेरे लिए ध्यान मत दीजिएगा, एंड कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ जो भी लिखना है लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा तेल लिया है, एंड सीरियसली उसके बाद ठीक है बहुत ही अच्छे से। अरे अम्मा धीमे सीरियसली मैंने पूरा दिन काम नहीं किया है, रात में काम कर रही हूँ ताकि कोई नॉइज ना आए बैकग्राउंड में, लेकिन रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन नॉइज तो आनी तानी है।
देख ले, ये देखिए मैं इसको रिमूव करके दिखाती हूँ टॉवल। उसके बाद आप चाहो तो नॉर्मल पानी से अपने फेस को धुल सकते हैं। सीरियसली बहुत ही अच्छा वर्क करता है और आपके फेशियल हेयर को कम करता है। ये देखिए कितना अच्छा वर्क करता है और आपको काफ़ी मेरे जो हेयर है वो कम नज़र आ रहे हैं। मैंने इसे कई बार यूज किया इसलिए इतने लाइट हो गए हैं। दोस्तों आप इसे महीने भर यूज करिए, यानी हफ्ते में 2 दिन तो दीजिए, अगर बहुत कम टाइम है तो 1 दिन दीजिए, पर इसको करिए और करने के बाद अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करिए। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और आप मुझे सीरियसली थैंक यू जरूर कहने आएंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना। और हाँ दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कर दो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड जो मेरा दूसरा चैनल है ग्लैमर गर्ल, प्लीज़ यार नया चैनल बनाया है, आप लोग यहाँ पे मुझे कितना सपोर्ट करते हो यार, प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट करो और मैं अच्छे से वर्क करूँ आप लोग के साथ, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रिव्यू एंड मेकअप से रिलेटेड वीडियोज आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो अभी तक नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत विजिट करो। एंड हाँ दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, और मैं जल्दी से इसे वॉश कर लेती हूँ। बाय बाय, ओके दादी का भी ओके हो गया है, बाय।